में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के युवकों के लिए बने गौतम छात्रावास में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में रविवार को निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी का कुछ छात्रों को समर्पित किया गया। इस हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन अर्जुन अवार्डी और भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान नवनीत गौतम ने किया। नवनीत गौतम ने हॉस्टल की सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में छात्रावास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल, मंत्री सत्यनारायण तिवारी, दामोदर शर्मा मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कर्नल ने कहा कि हॉस्टल में रह रहे छात्रों को काफी दूर लाइब्रेरी से पढ़ने जाना पड़ता है, जहां मासिक शुल्क भी देना पड़ता है और जो आने जाने में समय भी खराब होता है। कार्यक्रम में सुनील शर्मा, सुनीता ममता शर्मा, एडवोकेट आर के गौतम, गोविंद शर्मा और एडवोकेट पुजारी ने भी आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। देखिए, वर्तमान युग परिवर्तन का युग है और डिजिटल का युग है। मैं जब यहाँ अध्यक्ष बना, जब यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तो थी, परंतु जिस हिसाब से आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसके अनुरूप नहीं रही, तो जब छात्रों से मैं मिला और छात्रों ने जब इस बात की बात कही हमारी कार्यकारिणी को कि पैसा डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है, एक तो अननेसेसरी हमको बाहर जाने में आने में उसमें समय खराब होता है, दूसरा पैसा हमारा बहुत बुरा लगता है, और पैसा और जाना आने से ज़्यादा समय जो उनका खराब होता है, बार बार आकर यहाँ खाना बनाना और व्यवस्थाएँ करना, यहाँ छात्र पढ़ के और आगे समाज का नाम रोशन करने के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया छात्रावास के अंदर, और ख़ासतौर से मैं आभारी हूँ राजेश कर्नल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के डिजिटल डायरी का नामकरण करवाया, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ इन सब के लिए, क्योंकि ये एक बहुत सराहनीय कदम है कार्यकारिणी के द्वारा कि बच्चों की लाइब्रेरी के लिए, जिन्होंने अभी ये बताया, मुझे बताया गया कि इनको 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि इंटरनेट का अभाव था यहाँ पर, लाइब्रेरी का, कंप्यूटर्स का अभाव था। तो मैं बहुत तहे दिल से अपनी कार्यकारिणी का, राजेश कर्नल जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी यहाँ पे उपस्थित